हरे कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक है। अभी हम लोग ध्रुव महाराज की कथा सुनते सुनते आ रहे। इस श्लोक में क्षत्रियों के बारे में वर्णन। अभी तक हम लोग देखते हैं मैत्रेय और विदुर के समाधि द्वारा ध्रुव महाराज अपने पिता के गोदी में बैठने की इच्छा करते थे, क्योंकि वे माता उनको कटु वचन सुनाती। तो वो कैसे आते हैं, वो एक सांप को मारा हुआ सांप कैसे गुस्से में फुसफुसाता है वैसे आते। और उनके माँ के पास आने के बाद माँ उनको समझा कि क्षत्रिय गुण, इसमें इधर वर्णाश्रम पद्धति के बारे में बताया है प्रभुपाद जी बता रहे। यानी ध्रुव की माँ भी क्षत्राणी, वो क्षत्रियो उसकी क्षत्राणी। इसके लिए वो अपने बेटे को किस तरह समझा रहे, देखो बेटा सबका इच्छा पूरा करने वाले है भगवान ही। भगवान के अलावा कोई देवी देवता हमारी इच्छा को पूरा कर नहीं सकते, और आपको अपनी इच्छा पूरा करना है तो आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान का प्राप्त करना पड़ेगा। वो बालक कितना सिर्फ 5 बरस का है, ऐसे देखो तो 5 बरस के बच्चों को कितना हम लोग गुस्सा करे तो है करके हंसे, वो कोई ये करे वो तो, वो लोग तो इतना ये नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे तो कुछ करेंगे। मगर ये बालक क्षत्रिय, उनके अंदर किस तरह क्षत्रिय का गुण, नारद महर्षि को भी आश्चर्य हो जाता है। और वो तेज तेज क्षत्रिय, देखो इस छोटे बालक के अंदर तो क्या तेज है, क्षत्रिय का शौर्य तेज है, देखो भारत बिल्कुल वर्ष को भी आश्चर्य होता। भगवान देख रहे जिसके अंदर भक्ति करने का भाव है, जो इसके अंदर तीव्र इच्छा है, भक्ति की तीव्र इच्छा है, तो क्या करते हैं तुरंत शुद्ध भक्तों को। जब ही प्रहलाद माँ का वचन सुनकर वो वन के लिए निकला, तो भगवान अपने शुद्ध नारद नारद महर्षि को भेजते। नारद ध्रुव के सामने गुरु बन के उसके सर पे हाथ रख के उनको दीक्षा देते। इधर हम लोग सोच सकते हैं वो छोटा बालक है, अभी तक भक्ति भक्ति मार्ग में भी नहीं है, माँ का कटु वचन से उसको इतना चोट हो जाए। क्षत्रियों का गुण का वर्णन किया, क्षत्रिय कैसे है? वो उनके अंदर दो मान सम्मान, उसका मान सम्मान को चोट लगे, और युद्ध भूमि में परांमुख, ये दो हम लोग क्षत्रियों का चरित्र, क्षत्रियों का वंश के बारे में हम लोग जब जानते हैं ना, तो क्षत्रिय क्षत्र चोट क्षत्र क्षति क्षत्रिय चोटों से रक्षा करने रहे। इधर भगवत गीता में अर्जुन को भी भगवान बताते हैं ना, अर्जुन जब भी अपने सगे संबंधियों को देखकर नहीं मैं नहीं लड़ाई करेगा, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगेगा मगर लड़ाई नहीं करेगा, तभी भगवान अर्जुन को डांटते हैं पंडितों के जैसे वचन बोल रहे हो और कैसे क्या एक कर रहे हो करके। यानी तुम अगर तुम लड़ाई करते करते मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतेगे लड़ाई करते करते जीतेगे तो राज भोग सकोगे। उसी तरह क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा है, वो अगर कोई राजा लड़ाई में जाके वो जीत के ही आना चाहिए, अगर रणरंग में मर गया तो भी उसका स्वर्ग लोक जाना निश्चित है। अगर वो लड़ाई के मैदान से परांग खोल के आएगा तो वो क्षत्राणी वो महल का दरवाजा ही नहीं खुला करेंगे, उनका महल के अंदर प्रवेश ही नहीं है। यानी इतना स्ट्रिक्ट उनका नियम, ऐसे
हम लोग चार वर्ण और चार आश्रम हम तो इसमें महत्व दिया है। ब्रह्मा जी ने वर्णाश्रम का भी बारे में बता रहे, क्योंकि ये चार वर्ण और चार आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे भगवान खुद बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। मैंने ही चातुर्वर्ण का सृष्टा सृष्टि किया है उनके गुण और कर्म के अनुसार। जो ब्राह्मण भगवान का सर है, और ब्राह्मणों के अंदर क्या ऐसा है, सत्य क्षमा दमा शुचि पवित्र, ये सब जो गुण है वो तपस्या करते हैं, उस गुण को अर्जित करते हैं, उस गुण को हम लोग संपादन करते हैं, इसके वजह से वो जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। अगर वो किसी को श्राप देता है तो भी वो लगता है श्राप। ब्राह्मणों का नियम ही ऐसे, पठन पाठन यजन आयजन षटकर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशार, वो छह कर्मों में निपुण रहता है। पठन करना, पाठन करना, दान देना, दान लेना, पठन पाठन यज्ञ करना, यज्ञ करना, इस छठ कर, और हमेशा राजा के साथ रहता है और राजा को मार्गदर्शन दिखाता है। हम तो सब दशरथ महाराज का स्टोरी रहे उसे सभी हम लोग तो कहानी में हम लोग देखते हैं। कुछ भी हुआ तो ब्राह्मण के पास जाते, क्या करना क्या करना है, चाणक्य पंडित ये सब हम लोग भागवत में हम लोग आगे भी देख सकते। ब्राह्मण इतना स्ट्रिक्ट, ब्राह्मण का वचन क्षत्रिय बन, क्षत्रिय ने भगवान के भुजा, भुज यानी क्या है, उस पूरा रक्षा करने, ब्राह्मण का रक्षा करने वाला क्षत्रिय, क्षत्रिय राजा के कारण ही पूरा प्रजा संतुष्ट रहते। हम लोग भगवत गीता का पहला पहले बार भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन किसको दिया था, किसको याद है? देव सॉरी, ब्रह्मा ब्रह्मा जो जो राजा, राजा क्या वो अपने प्रजाओं को बराबर ये शिक्षा देगा और प्रजा लोग उसके आज्ञा का पालन करें। कैसे सरकार कैसे विधान करती है, नियम कानून का रचाती है, उसके कानून के अनुसार हम लोग चलना है। उसी प्रकार राजा राज्य में भी यही कानून था, वो अपने प्रजाओं को अपने पुत्र के समान मानते थे और उनको ये भगवान के विज्ञान विधि विधान हर एक को पालन करना चाहिए। अगर वो हर एक नहीं पालन करेगा तो उनको दंड मिलता है, इतना स्ट्रिक्ट कानून था क्षत्रिय राजाओं का। इसके लिए राजा को क्या बोलते हैं, राज ऋषि, राजा को सादा राजा नहीं बोलते, राज ऋषि बोलते। वो अपने सिंहासन में भगवान को रखे और उनके दास के रूप में सेवा, इसके लिए सभी प्रजा को भगवान का भक्त बनाना, वही उनका कर्तव्य। अगर राजा धर्मनिष्ठ है, राजा योग्य है, तो प्रजा भी वैसे बने राजा के जैसे। ऐसे हम लोग 12 महाजनों का भी कहानी देखते हैं ना, 12 महाजनों को हम लोग सुनते, इन लोगों के चरणों के पदचिन्हों के अनुसार हम लोग को चलना, ये लोग 12 महाजनों। इसी तरह ये राजा महाराजा लोग प्रजाओं को इतनी कड़ी नियमों के द्वारा उन सब लोगों को भगवत धाम भेजते, सब लोग भगवत सब प्रजाओं को भगवत धाम जाने का मार्ग उनके लिए सुचारू बना के देते थे राजा। कि वर्णाश्रम पद्धति इतना उपयोगी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैश्य क्या गोरक्ष वाणिज्य, क्षत्रियों क्या क्या करने का, राज्य की सुरक्षा करना, प्रजाओं का देखभाल करना, और क्षत्रियों का क्या है गोरक्षा वाणिज्य, और चौथा क्षत्रिय ने भगवान का उदर है, और चौथा शूद्र ने भगवान का चरण,
ये चारों वर्णाश्रम के चारों लोग मिलके क्या कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए ये चातुर्वर्ण का नियम भगवान ने खुद बनाया। चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भगवान को नहीं, मैंने बनाया। इसके लिए चारों वर्ण आश्रम का पद्धति बहुत, विधि विधान बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम लोग देखते हैं, राजा के बच्चे रहने दो, प्रजा के बच्चे जन रहने दो, गुरुकुल में साथ में पढ़ेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में आचरण करेंगे। वो हम लोग देखते हैं। अभी इधर हम लोग प्रभुपाद जी बता रहे, अगर जिस घर में एक चार वर्णाश्रम पद्धति को अच्छे से जो पालन कर, वर्णाश्रम यानी ब्राह्मण को अपने पूजा पाठ पठन याजन करना, क्षत्रियों को राज्य कारोबार संभालना, वैश्यों को वाणिज्य व्यापार देखना और शूद्रों को इन तीनों ऊपर के वर्णों का सेवा, ये जो नियम है, अगर कोई बहुत स्ट्रिक्टली ये पालन करता है तो उनके घर में वैसे बच्चे पैदा हो। अभी हम लोग ध्रुव महाराज का कहानी सुन रहे, वो छोटा बालक है, इतना छोटा है, मगर उसके अंदर क्षत्रिय का रक्त तेज है, उसके अंदर क्षत्रिय का तेज है। उसने तुरंत अपने माता का सुनी थी, माता का वचन सुन के वो जंगल में निकलते हैं, वन में निकलते हैं, कुछ डर नहीं। हम लोग ये इसमें भी स्टोरी में हम लोग देखते रहे, दुष्यंत शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला का एक छोटा बेटा भरत करके था, वो 3 बरस का रहता, वो शेर बाघ के साथ खेलता है, वो शेर और बाघ के साथ, उसको डर ही नहीं उसको पकड़ने का, उसके ऊपर बैठा, वो इतना 3 बरस का। तभी उनके गुरु बताए इसके अंदर पूरा क्षत्रिय गुण है, ये बच्चे का अंदर क्षत्रिय गुण है, वो क्षत्रिय का धर्म का पालन करते हैं, उनके अंदर वही गुण है। ब्राह्मण का घर में जो पूरा विधि विधानों का पालन करने वाले, तो उनके घर के बच्चे भी जन्म से ही सब सीख के आते हो, जन्म से ही उन लोगों को पूरा पूरा ट्रेनिंग मिल जाए। जैसे क्षत्रियों का हम लोग उदाहरण अभी ध्रुव महाराज के द्वारा देख, क्षत्रिया कि जब भी ध्रुव महाराज अभी छोटा बालक है, जब भगवान नारद मुनि को भेजते हैं, नारद मुनि को आश्चर्य हो जाते, इतना तेजवान है ये लड़का। फिर वो नारद मुनि भी उसका परीक्षा लेना चाहते, उसका आगे का श्लोक पे आएगा, परीक्षा टेस्ट करेगा। इसे हम लोग देख सकते हैं, इस संसार में हम लोग को सब कुछ मिलेगा, सगे वाले, सगे संबंधी, मित्र, में सब मिलेगा, मगर गुरु और भगवान मिलना बहुत खुश, बहुत कठिन। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता, गुरु और भगवान कृपा से भगवान हम लोग का भक्ति प्रारंभ। इधर ध्रुव महाराज को गुरु मिल गए, गुरु का मार्गदर्शन उन्होंने लिया और 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन किया। ये 6 बरस, 5 बरस का बालक दृढ़ निश्चय से भगवान का दर्शन कर सकता है। हम जैसे मनुष्यों का सोचना चाहिए, क्यों नहीं हम लोग भी कोशिश करें। दृढ़ता, इधर बता रहे, दृढ़ता, स्थिरता, निश्चलता भगवान की भक्ति करने में हम लोग को, ये नहीं, ऐसे हम लोग देखते गुरु बहुत समय मिलेंगे, अभी मार्केट में बहुत सारे गुरु मिलेंगे, अलग अलग पंथ, अलग अलग इसके गुरु मिलेंगे, मगर जो परंपरा से आए हुए गुरु जो मार्गदर्शन हमें करते हैं, वो निश्चित भगवत धाम पहुंचते हैं। इसे हम लोग ऐसे ही देखते हैं, अलग अलग लोगों से हम लोग मिलते हैं ना, तो बोलते एक पंडित जी बोल रहे थे, हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, पुरुष सूक्ति पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, वो ये वो बहुत बहुत पढ़ते हैं करके बोला।
फिर पढ़ते हैं, फिर क्या, चाय कॉफी नहीं छूटेगा, वो तो चाय, तो पूछेगा तो वो चाय कॉफी हम लोग रोज नहीं पीते, कभी कभी पीते, मगर जब तक हम लोग भगवान को शरणागत, भले हम कितने भी, भगवान खुद बोलते हैं ना, ज्ञानी रहने दो, तत्वदर्शी रहने दो, पंडित रहने दो, जब तक भगवान के चरण कमल में शरणागत नहीं होता तब तक वो भक्ति नहीं करते, भले ही वो लोग पढ़े सुक्ति पढ़े, वो अलग 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 शास्त्र पढ़े, अलग अलग कवच पढ़ते हैं, मगर जब तक हम लोग भगवान की शरणागत नहीं होते तब तक हम लोग भक्ति को प्राप्त नहीं करते। इधर हम लोग इनका क्षत्रियों का, क्षत्रियों का गुण हम लोग पांडवों में भी देखते हैं, पांडव भी क्षत्रिय थे, उनको कितना अपमान हुआ, उनका पूरा राज्य छीन लिया, उनको वनवास भेजा, उनकी पत्नी का भरी सभा में अपमान किया, मगर उन्होंने शांतता से स्वीकार किया। ये भक्तों का, जो भक्त रहते हैं हमेशा समा शत्रु च मित्र तथा माना कुमार शीतोष्ण मुदितेषु समा संगल्य, हमेशा भगवान के चरण में रहती क्षत्रियों का गुण। और हम लोग इनके इसमें भी देखते हैं अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज भी क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय राजा थे, उनके यहाँ कौन है, दुर्वासा योगी, महान योगी, अपने जटा से राक्षस को उत्पन्न करने वाला ऐसा योगी, योगी के सामने भी योगी क्या कर गया, हो गया उसका जो शक्ति है जो है वो विफल हो गया, यानी भगवान का शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज जैसे शुद्ध भक्तों के कारण योगी का सब, योगी दुर्वासा सब जगह, स्टोरी आप लोग को मालूम है, सब जगह भागते भागते वैकुंठ लोक में भी पहुंचता है, वैकुंठ लोक में पहुंचने के बाद भी नारायण बोलते हैं उसको, अहम भक्त आधीन, मैं खुद भक्त का अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाके मेरे भक्तों के चरण में क्षमा याचना, तो योगी को आके अम्बरीश महाराज के चरण में क्षमा याचना, उसके बाद उसका सुदर्शन चक्र उसका पीछा छोड़, इसे अलग अलग आगे आगे आएगा, हम लोग अलग अलग कहानी में हम लोग देखें क्षत्रियों का कैसा गुण। अभी ध्रुव महाराज बालक था, वो तपश्चर्या करके 6 महीने में भगवान का दर्शन किया, जब भगवान का दर्शन करते ही वो भाव विभोर हो गया, कुछ बोल नहीं सका, हो भगवान सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान सामने खड़े, उनका सुंदर रूप देख रहा है ध्रुव महाराज, फिर कुछ नहीं बोला, तो भगवान ने अपना शंख का स्पर्श उसको गाल में लगा के स्पर्श करा, तो तुरंत स्तुति करने लगता है, प्रहलाद महाराज इतना स्तुति करता है, इतना स्तुति करता है ना, भगवान भगवान की प्रार्थना, फिर भगवान पूछते हैं प्रहलाद आपको क्या चाहिए मांगो, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं तभी वह भक्त बन गया था, तो भक्त का कुछ इच्छा ही नहीं, प्रहलाद सॉरी ध्रुव महाराज बोलते हैं क्या, ध्रुव भगवान पूछते हैं ना ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तो ध्रुव बोलते नहीं मैं कांच के टुकड़े की इच्छा से इच्छा की थी, मुझे आप हीरा मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा को, इतना मेरी शुद्ध भक्तों का गुण हम लोग इधर देख सकते। प्रपा जी इधर ये भी बता रहे हैं वैदिक पद्धति से संस्कारों के दृढ़ता से पालन किया जाता है, वैसे परिवार में सुसंस्कृत बच्चे पैदा हुए। अभी कलयुग के प्रभाव से क्या हो गए ये चातुर्वर्ण सब, चातुर्वर्ण सब नष्ट हो गए, अभी ब्राह्मण कैसे जाना जाता है, उसके ऊपर जनेऊ, वो जनेऊ पहनता है इसके लिए वो ब्राह्मण, और क्षत्रिय जो वो
बड़े अधिकार पे रहता है वो क्षत्रिय, और वैश्य तो व्यापार करते हैं, और सभी लोग इस कलयुग में सभी लोग शूद्र समझ, जन्म से सभी लोग शूद्र है इस कलयुग में, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा नहीं, क्योंकि जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र है उनके आचरण से। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मण का जैसा व्यवहार नहीं किया करेगा तो ब्राह्मण को वो द्विज बंधु बनते, द्विज बंधु, और जो भी अपने वर्ण आश्रम धर्म में रह के उसका अनुसार वो नहीं चलता है वो पतित। इधर कलयुग में हम लोग ने पतित आत्मा को ही देखते हैं ना, अगर वो शूद्र कुल में भी जन्म लेके उच्च आचरण भगवान का भक्ति करता है, वो ध्यान करता है, भगवान का तपस्या करता है, वो ब्राह्मण। ऐसे इसमें भागवत में दे ना, किरात गुण और सब 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 कितने 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 जंगल में रहने वाले आदिवासी सब सब कितना अलग अलग शुभ ऐसा अलग अलग जो भी जाति के रहने दो, अगर भगवान का भक्त है तो भगवान का शरण में जाता है वो उच्च है, ब्राह्मण से भी उच्च। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, भगवान दयालु है, भगवान सभी पतितात्माओं का ऊपर उद्धार करने वाले। चैतन्य महाप्रभु का जिसमें हम लोग देखते ना पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को उद्धार करने वाले। अभी कलयुग में हम लोग वर्णाश्रम पद्धति नहीं देखते, नहीं देखने पड़ता। जब भी प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए थे, पाश्चात्य देश में गए थे, पाश्चात्य देश के शिष्य लोग उसको पूछ रहे, प्रभुपाद हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, हम लोग को हमारे अंदर गुण नहीं है, हमारे अंदर कुछ तपस्या करने की शक्ति नहीं है, चार नियम को पालन को पहले ही तोड़े हुए हैं। हाँ ऐसे हम लोग इतने नीच नीच स्थिति वाले हैं, फिर हम लोग कैसे इतने शुद्ध भक्त बन गए। तभी प्रभुपाद बोले, मैंने आपको शुद्ध करा दिया, मैंने भागवत हरे हरि नाम द्वारा, हाँ हरि नाम द्वारा भागवतम भगवत सुना के मैंने आपको जो आपके अंदर जो भी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा, जैसे जो आपके अंदर जो अनिष्ट था मैंने उसको शुद्ध करके आपको शुद्ध भक्त बना दिया। ऐसे हम लोग देखते आज प्रभुपाद जी के जो भक्त लोग हैं कितने प्रचार कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने लोगों को भक्त बना रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग भारत भूमि में जन्म लेके भी हम लोग कैसे हैं, किसे काम का नहीं है। ऐसे कोई एक भक्त बनाना है तो बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। इधर भक्ति हम लोग को कैसे प्राप्त होएगा, इधर दो बता रहे, एक ये बता रहे अपने कर्म के अनुसार, और दूसरा है गुरु की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्ति हम लोग को मिलता है। एक कर्म हमारा, हमने पिछले कर्म जो भगवान बता रहे ना अर्जुन जो पूछ रहे क्वेश्चन, जो थोड़ा भी भक्ति करके वो नष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, उनका क्या गति। तो भगवान बोलते नहीं, उनका कुछ नहीं होता, उसका उद्धार होता है, वो सुचिनाम श्रीमतांगे योगो भ्रष्टो भी जाती, जो इस जन्म में जो भ्रष्ट हुआ उसको अगला जन्म बड़े भक्तों के घर में अबीर के घर में उनको जन्म मिलेगा, ताकि वो आगे चलकर अपना अधूरा जो है भक्ति वो पूरा करके भगवंता चाहे। भगवान हम लोग को बार 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 हम लोग को मौका देते, शुद्ध भक्ति प्राप्त करके हम लोग को भगवंत धाम देने का। और ये जो गुरु और भगवान की कृपा मिलना बहुत दुष्कर, ये अमूल्य निधि है, इस निधि को हम लोग को बहुत संभाल के रखना चाहिए, नहीं तो ये जो माया है, माया क्या करती है सब हरा लेती है, सब
छीन लेती। देख सकते हैं हम लोग, जो हम लोग सत्संग में जुड़े रहेंगे, सत्संग में हम लोग जुड़े रहेंगे तो रोज रोज भागवत भगवत गीता सुनते रहे तो हमारे अंदर अच्छे गुण प्रकट होते। अगर हम लोग क्या करें, हम लोग को सब आता है, ये सब मालूम है हम लोग को, हम लोग 2 दिन नहीं सुने तो क्या होगा, दूसरा इधर उधर दूसरा सुनेंगे सुने तो क्या होगा, हमारे अंदर जो भक्ति का बीज फ्रूट हो रहा था हम लोग इधर उधर भटके तो वो नष्ट हो जाए, नष्ट होके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते। प्रभुपाद जी के साथ भी काफी लोग जुड़े थे। प्रभुपाद जब भी वृंदावन में थे तो उनके साथ लेक्चर सुनने के लिए उनका बुक पढ़ने वाले बहुत सारे थे, पर सभी को ये भाग्य नहीं मिलता। अगर प्रभुपाद जी का क्लास सुने पढ़े जब तक हम लोग भगवान की शरण में आत्मसमर्पण नहीं करते, जब तक भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक हम लोग भक्ति नहीं करते। अभी हम लोग काफी लोगों को देखते बोलते हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को देखते हैं, हम लोग यूट्यूब में अलग 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 लेक्चर सुनते हैं, इस्कॉन का भी हम लोग सुनते हैं ऐसे, पर उनकी क्या नहीं, उनके अंदर क्या नहीं है, निष्ठा दृढ़ता नहीं है, क्योंकि अज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु ने बताए क्या है, पंडित अच्छे कुल में जन्म लिए हुए धनवान ये लोग भक्ति में नहीं आए, तो भगवान अकिंचन प्रिय। कुंती महारानी भी स्तुति करती है ना, जन्म ऐश्वर्य सुखता श्रीमित एतद मान मदप कुमार नहीं वर्त्य अभिधातुए त्वाम अकिंचन गोच। अच्छे कुल में जन्म, अच्छे रूप, अविद्या, ये सब जिनके पास रहते वो लोग भक्ति में नहीं आते। कौन आते हैं, आर्तो अर्थार्थी ज्ञान जिज्ञासु चार प्रकार के भक्तों का भी वर्णन किया ना, वो भगवान के भक्ति में आते हैं। इधर ध्रुव महाराज को अच्छा गुरु मिल गए, उनको दीक्षा भी मिल गई, उनको मार्ग भगवान का दर्शन करने का मार्ग भी मिल गया। उसी प्रकार हमें एक अच्छा संघ मिल गया, प्रभुपाद जी का एक ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का संघ मिल गया, गुरु भी मिल गए और साधु शास्त्र गुरु मिल गए, तो ये शास्त्र भी हम लोग सुबह शाम दोनों वक्त हम लोग भगवत गीता भागवतम भी सुन रहे हैं। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है, दुर्लभ मनुष्य जन्म ने भागवतम में दिया हुआ। इस शरीर क्या है, नाव के समान, शरीर एक नाव के समान है और गुरु इसका कप्तान है, कैप्टन है, इसको नाव को चला, और सत्संग रूपी हवा हवा द्वारा ये नाव चल के चल के चल के चल के गुरु हमें भगवत धाम पहुंचाते। इस मनुष्य हमें मनुष्य शरीर भी मिला है, गुरु भी मिला है, सुबह शाम हम लोग भागवत भगवत गीता सुन रहे हैं, जप कर रहे, फिर भी हम लोग दृढ़ता से हम लोग नहीं करे तो समर्पण इस भगवान के चरण में समर्पित नहीं होगे, सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग का पतन निश्चित। क्या हम लोग देखते हैं बड़े बड़े इतने भक्त लोगों का भी संघ से दूर होने से, संघ से दूर होने से उनका पतन हो जाए। चैतन्य महाप्रभु बार बार ये ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कितने बार, 100 बार से भी ज्यादा उन्होंने अपने भक्तों से सुनते थे। क्यों, ध्रुव महाराज का चरित्र इतना छोटा बालक के अंदर दृढ़ निश्चय, ऐसे हमारे अंदर भी होना चाहिए। वो 5 बरस का बालक, इसके लिए प्रहलाद महाराज बोलते ना, बच्चों को 5 बरस से भक्ति में लाना चाहिए, 5 बरस से वो 10 बरस तक ना वो लोगों का ये रहता माइंड ग्रास कर लेते हैं, वो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, उनको उसका
मालूम नहीं रहता, मीनिंग मालूम नहीं रहता, मगर बड़े होने के बाद उनको मालूम पड़ेगा, मगर वो लोग तुरंत समझ लेते। इसके लिए 5 बरस से बच्चों को भक्ति देना चाहिए, गुरु महाराज की शिक्षा है, वो अपने राक्षस सहपाठियों को बता दे 5 बरस से बच्चों को भक्ति देना। ये संस्कार दृढ़ता से पालन किया जाता है। जो लोग वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम पद्धति पहले से दादा परदादा से वो जो वर्णाश्रम पद्धति संस्कार, इधर हम लोग देखते ना एक शादी से पकड़ के कितने सारे हमारा संस्कार है, विवाह संस्कार, गर्भधारण संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्या संस्कार, अलग 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 संस्कार, इसकी जरूरी है। इस कलयुग में सब क्या हो गया, वर्णाश्रम नष्ट नष्ट हो गया, इसके वजह से ये संस्कार भी किसी को नहीं मिल रहे, और बच्चे भी ऐसे पैदा हो रहे। देखते हैं हम लोग ऐसे भौतिक दुनिया, माँ बाप को पहले भगवान के भक्ति करने में रुचि नहीं है, इसके लिए इधर नारद मुनि को आश्चर्य हो रहा है, इतना छोटा सा बालक। नारद मुनि तो ऐसे कितने सारे जीवों का उद्धार किया, रत्नाकर डाकू और आधा मार के डालते थे वो, उसका भी उद्धार किया। हम लोग देखते हैं उन्होंने कितना, नारद मुनि से शुद्ध भक्त कितने जीवों का उद्धार। और ये इधर और एक बता रहे, नारद मुनि के अंदर कैसा मालूम पड़ा, नारद मुनि कोई ध्रुव महाराज जंगल में वन में आ रहे करके भगवान उसको बता रहे हैं, तुम जाओ मेरा एक भक्त मेरे भक्ति करने के लिए जंगल आ रहे हैं, तुम जाके उसे मार्ग दिखाओ। इधर हम लोग देखते हैं नारद मुनि पिछले श्लोक में हमने पढ़ा ना त्रिकाल ज्ञानी, उनको भी भगवान के कई तरह त्रिकाल ज्ञानी है, ऐसे नारद मुनि को भी हमारा वर्तमान भूत भविष्य वो मालूम है। इसके लिए वो नारद मुनि तुरंत रूप के पास जाके उसको शिक्षा देते हैं और उसका परीक्षा करेंगे, अगले श्लोक में आएगा किस तरह उनका परीक्षा करते हैं। ऐसे भी हम लोग हमने जब भी गुरु के पास जाते हैं, हम लोग गुरु के पास जाते हैं, गुरु भी हमारा परीक्षा, कभी हम लोग को कठिन सेवा में लगा के परीक्षा करते हैं और कभी डांट के भी हमारे परीक्षा। बस इसमें भगवत गीता में बताया ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाके हम लोग को पहले शरणागत होना चाहिए, उनकी सेवा करना। गुरु के पास जाके हम लोग को आज घर में इतना प्रॉब्लम है, आज ये नहीं है वो नहीं, ऐसा नहीं बोलना, पूछने का नहीं, गुरु के पास पहले जाके गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु की ऐसे ही सेवा करना चाहिए, ऐसे ही सेवा करना चाहिए, तो गुरु को मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या भाव है। ये भाव इसमें दशम स्कंध में आगे हम लोग देखेंगे, गुरु किस तरह परीक्षा अपने शिष्य की परीक्षा करता है। आरुणि करके एक लड़का का भी हम लोग स्टोरी आगे देखेंगे, कैसे वो खेत में जाता है, बाढ़ का पानी आ रहा है, वो कितना खेत का वो पानी रुकाने के लिए मट्टी डाल के बहुत ये करता है, मगर वो रुकता ही नहीं, इतना जोर से बाढ़ में पानी, बाढ़ का पानी आ रहा था खेत में, तो क्या करता है वो खुद उधर सो जाता है, वो पानी को खेत में पानी को रोकने के लिए वो खुद सो जाता है। सुबह गुरु देख के अपने शिष्य को ढूंढते ढूंढते आता है, तो देखता है ये सोया है इधर, वो डैम का कैसे धारण कैसे करते वैसे सोया है। गुरु अपने शिष्यों का परीक्षा करते हैं और परीक्षा करके उसको योग्य मार्गदर्शन करते। इधर नारद मुनि भी देख रहे हैं इसके अंदर सचमुच भक्ति है क्या, गुस्से में तो थोड़े बच्चे लोग करते हैं ना, तो थोड़ा माँ बाप डांटेंगे तो गुस्सा होता है, नहीं खाना खाएगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बोले फिर थोड़े देर के बाद अपने आप खाना खाते हैं, अपने आप आ जाते खेलते, ऐसे इसके मन में भी ऐसा भाव है क्या। नारद गुरु उनका टेस्ट देते, ऐसे गुरु हमारे जीवन में जब भी हमें गुरु मिलते हैं तो गुरु भी हमारा टेस्ट करते हैं सचमुच ये भक्ति में लगे हुए, लगना चाहते हैं तो उनकी कृपा से हम लोग शुद्ध भक्ति में हम लोग लगते हैं।
सर हम लोग आगे भागो, तब वो सुंदर सुंदर हम लोग को सिखा रहे क्षत्रियों का, क्षत्रियों का खाने हम लोग को देखने को मिलेगा। इधर ध्रुव महाराज के अंदर जो क्षत्रिय गुण था वर्णन इसने सुंदर ढंग से बताया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, हरे।